के छत्तीसगढ़ से मिल रही खबर के साथ, सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति अब अनिवार्य कर दी गई है। बिना अनुमति अब कार्यक्रम नहीं हो सकेंगे, धरना या आंदोलन नहीं दिए जा सकेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस पत्र की। गृह और पुलिस विभाग ने निर्देश जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी कलेक्टर SP को निर्देश दिए गए हैं। आज भी पुलिस ने कई आंदोलन कर्मियों के पंडाल उखाड़े और इसके बाद इसी क्रम में ये फैसला, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति लेना अब अनिवार्य होगा। तो बिना अनुमति अब कोई कार्यक्रम नहीं हो सकेगा, धरना और आंदोलन के लिए भी अनुमति लेना अनिवार्य होगा। तो गृह और पुलिस विभाग ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। राज्य के सभी कलेक्टर SP को निर्देशित किया गया है। अधिक जानकारी इस पर हम लेंगे, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी फोन लाइन पर बने हुए हैं। मोहन जी, सुबह ही नवा रायपुर में किसानों का धरना खत्म कराया गया, टेंट उखाड़े गए और अब इस अनुमति को अनिवार्य किया गया है धरना और आंदोलन के लिए, कितना सही मानते हैं इसे? देखिए, ऐसी लगातार की संगठन अपनी मांगों को लेकर एक दिन प्रदर्शन की अनुमति प्राप्त, लगातार ये आंदोलन बढ़ता जाता था और इस वजह से अराजक स्थितियां कई जगह पर देखी, पर धरना स्थल पर स्थितियां बन गई थी, जिसकी वजह से आपके इलाके के लोग, उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। और की अगर हम बात करें, स्पष्ट आवाज आपकी नहीं मिल रही है मोहन जी, कोशिश करेंगे दोबारा आपसे संपर्क करें, लेकिन आपको ये बड़ी खबर बता रहे इस वक्त ही, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक कार्यक्रम की अनुमति अनिवार्य कर दी गई है। बिना अनुमति अब कोई भी कार्यक्रम नहीं हो सकेगा। आपको बता दें कि सुबह ही नवा रायपुर में किसानों का धरना खत्म कराया गया, पंडाल उनके उखाड़ दिए गए, धरना और आंदोलन के लिए अब अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक बार फिर हम कोशिश करेंगे मोहन जी से बात करने की। जी मोहन जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, छत्तीसगढ़ में ऐसी स्थितियां खासतौर पर राजधानी रायपुर में बन रही थी, जिसकी वजह से जो धरना प्रदर्शन करने वाले हैं वो उग्र हो रहे थे और जो उनका प्रदर्शन है उससे दूसरों को परेशानी हो रही थी। नया रायपुर में जो नया रायपुर विकास प्राधिकरण है उसके कार्यालय में किसानों ने कब्जा कर लिया था, जो धरना स्थल है वहां से 8 से 9 प्रदर्शन हो रहे थे और वो लगातार कंटिन्यू बने हुए थे, जिसके कारण वो मार्ग पूरी तरीके से बाधित हो गया था। आसपास 50,000 लोगों का जो घर है उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था। तो इसी स्थिति को देखते हुए अब प्रशासन ने एक ऐसी व्यवस्था बनाई है जिसमें जो भी प्रदर्शन करना चाहता है वो विधिवत जो है अनुमति ले और अनुमति के बाद एक निर्धारित समय के लिए वो प्रदर्शन और धरना दे, ताकि ऐसी स्थिति ना बने जिससे कि लोगों को परेशानी हो। इन सब बातों को ध्यान में रखकर गृह विभाग ने ये आदेश जारी किया है, जिसकी वजह से अब कलेक्टर खासतौर पर राजधानी में जो भी प्रदर्शन करेगा उन्हें कलेक्टर से अनुमति लेनी होगी और ये बताना होगा कि वो कितने समय के लिए अपना प्रदर्शन कर रहा है। तो एक ऐसी व्यवस्था बनाने की कोशिश है इसके जरिए जिससे कि व्यवस्था बिगड़े नहीं और दूसरों को परेशानी ना हो, इसीलिए ये आदेश जारी किया गया है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मोहन जी इस पूरी बातचीत के लिए। तो जिस तरह से हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मोहन तिवारी ने हमें बताया कि वहां पर स्थितियां खराब हो रही थी, इसलिए इस आदेश का आना, इस फैसले का आना काफी इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। बिना अनुमति अब कोई भी कार्यक्रम रायपुर में नहीं हो सकेंगे, धरना और आंदोलन के लिए भी अब अनुमति लेना अनिवार्य होगा।